धन साहिब सर्व वंश दानी अमृत के दाता साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के 352वां प्रकाश उत्सव रविवार को बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल नगर कीर्तन रविवार को गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी और पंच प्यारों की अगुवाई में हाथीभाटा गुरुद्वारे से निकाला गया। नगर कीर्तन गुरुद्वारे से शुरू होकर गांधी भवन, स्टेशन रोड, गुरुद्वारा बाला साहेब, केसरगंज, अमर टेंट, डिग्गी चौक होते हुए वापस हाथीभाटा पर समाप्त हुआ। नगर कीर्तन की सवारी में फूलों से सजे ट्रक पर गुरु महाराज की सवारी विराजमान रही। नगर कीर्तन की शोभा बढ़ाने के लिए गतका पार्टी बाबा बंदा सिंह बहादुर भरतपुर से जत्थेदार सतपाल सिंह के नेतृत्व में जगह जगह पर विभिन्न कर्तव्य दिखाए गए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश उत्सव की खुशी के मद्देनजर रखते हुए जो कि 13 तारीख को गुरु महाराज का प्रकाश पर्व है उस खुशी का मुख्य नजर रखते हुए यह गुरुपर्व हमेशा ही हाथीभाटा गुरुद्वारा कमेटी बनाती है। आज सुबह 11 बजे से नगर कीर्तन हाथीभाटा गुरुद्वारा से प्रारंभ हुए हैं। वह स्टेशन रोड होते हुए केसरगंज, गोल चक्कर, डिग्गी बाजार होते हुए प्लाजा सिनेमा, वह नला बाजार होते हुए दरगाह शरीफ पहुँचेगा। वहाँ से गंज गुरुद्वारा होते हुए शाम को नया बाजार होते हुए शाम को वापस संपन्नता हाथीभाटा गुरुद्वारे में होगी। एवं अजमेर की समूह साध संघ से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में पधार कर ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर गुरु घर से खुशियां प्राप्त करें। वह 13 तारीख को मेन दीवान मुनिया समय स्कूल के अंदर सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक सजाए जाएंगे। तो 12 तारीख के रात के और सुबह के प्रोग्राम हाथीभाटा गुरुद्वारा और 13 तारीख को रात का मेन दीवान हाथीभाटा गुरुद्वारे में गुरु महाराज का प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। उसमें आतिशबाजी, बैंड बाजे बजाकर गुरु महाराज का जन्मदिन मनाया जाएगा। अजमेर की समूह साध संघ से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में पधार कर गुरु घर से खुशियां प्राप्त करें। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।